ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम द्वादश पाठ का दूसरा भाग ले रहे हैं, पंजरस्य कोणे पश्यतु। पंजरस्य यानी पिंजरा, कोणे यानी कोने में, पश्यतु यानी देखना। सिंह अपि अस्ति, सिंह यानी शेरनी, अपि यानी भी, अस्ति यानी है। तस्य पार्श्वे सिंह सावक है, अपि अस्ति। तस्य यानी उसके, पार्श्वे यानी पास में, सिंह सावक यानी शेरनी के छोटे छोटे बच्चे, अपि यानी भी, अस्ति यानी है। आगे देखिए, किरण, किरण कहती अम गज तत्र गज अटति, तत्र यानी वहाँ, गज यानी हाथी, अटति यानी है। गज पंजरस्य अंतः किमर्थम नास्ति, गज यानी हाथी, पंजरस यानी पिंजरे पिंजरा, अंत यानी अंदर, किमर्थम यानी किस प्रकार, नास्ति यानी नहीं है। माता गज जनान दृष्ट्वा किमपि न करोति, गज यानी हाथी, जनान यानी लोग, दृष्ट्वा यानी देखना, किमपि यानी किस प्रकार, न यानी नहीं, करोति यानी करना। अतः पिंजरस्य अंतः न अस्ति, अति यानी इसलिए, पिंजरस्य यानी पिंजरे के अंदर, अंत अंदर, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। पिता, पिता किरण से कहते हैं, किरण तत्र पश्यतु, तत्र यानी वहाँ, पश्यतु यानी देखना। पिंजरस्य अंतः क अस्ति, पिंजरे के अंदर के यानी कौन, अस्ति यानी है। किरण कहती है सह व्याघ्र, सह यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ। पंजरस्य समीपम गत्वा पश्यामि, पंजरस्य यानी पिंजरे के समीप में यानी पास में, गत्वा यानी जाकर, पश्यामि यानी देखना। पिता किरण से कहते हैं जानाति खलु व्याघ्र अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति, जानाति यानी क्या तुम जानती हो, व्याघ्र यानी बाघ अस्माकं यानी हमारा राष्ट्रीय पशु है। किरण कहती आम यानी हाँ, जानामि यानी जानती हूँ। माता, माता जी जो किरण से कहती है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कै, अस्माकं यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी कै यानी कौन है। किरण कहती है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, अस्माकं यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। पिता तत्र पश्यतु या वहाँ देखो, मयूर है नृत्यम करोति, मयूर यानी मोर, नृत्यम यानी नृत्य करोति यानी कर रहा है। माता तस्य पार्श्वे गच्छामि, तस्य यानी उसके, पार्श्वे यानी पास में, गच्छामि यानी जाना। तत्र पक्षिण सन्ति, तत्र यानी वहाँ, पक्षिण यानी पक्षी, सन्ति यानी है। पिता किरण से कहते हैं अत्र पश्यतु, अत्र यानी यहाँ, पश्यतु यानी देखना। शुकाः सन्ति, शुक यानी तोता, सन्ति यानी है। बकाः अपि सन्ति, बका यानी बगुला, अपि यानी भी, सन्ति यानी है। हंसा जले तरन्ति, हंसा यानी हंस, जले यानी पानी में, तरन्ति यानी तैर रहे हैं। चटका डयन्ते, चटका यानी चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, बोलती है ना। हाँ कोकिल है अपि सन्ति, कोकिल यानी कोयल, अपि यानी भी, अस्ति यानी है। किरण ऐसे है के, यह कौन है। पिता ऐसे उल्लू के, यह उल्लू है। दिवा काले उल्लू के दृष्टुम न शक्नोमि, दिवा काले यानी दिन में, उल्लू की यानी उल्लू, दृष्टुम यानी देखना, ने यानी नहीं, शक्नोति यानी देख नहीं सकता, क्या उल्लू दिन में देख नहीं सकता। माता कहती है किरण से अत्र कपोतः शब्दम कुर्वन्ति पश्यतु, अत्र यानी यहाँ, कपोते यानी कबूतर, शब्द यानी सब, कुर्वन्ति यानी करना, पश्यतु यानी देखो। किरण कहती अम काक यानी कौवा, कुकुट यानी मुर्गा, अश्व यानी घोड़ा, गर्दभ यानी गदा, बिडाले यानी बिल्ली, कुकुर यानी कुत्ता, मेस यानी भेड़, नहीं मेस यानी पेड़ होती है, और महिष यानी भैंस, महिष यानी वो अलग होता है, वृषभ यानी बेल, गो यानी गाय, च यानी और, अत्र किमर्थम न सन्ति, अत्र यानी यहाँ, किमर्थ यानी किस लिए, न यानी नहीं, सन्ति यानी है। माता एते सर्वे जंतुशालातः बहिः अपि सदा भवन्ति, एते यानी ये सर्वे यानी सभी जंतुशालाते हैं, जंतुशाला बहिः यानी बाहर, अपि यानी भी, सदा यानी हमेशा, भवन्ति यानी होते हैं। अतः एते अत्र न भवन्ति, इसलिए वह यहाँ अंदर नहीं है। पिता अहो पंचवादनम, अरे पाँच बज गए हैं, गृहम गच्छामि, घर चलते हैं। ये अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।